हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिलेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप के कुछ रिलेशंस और उनके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब होता है, और उसको हम लोगों ने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। आज बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यह क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में या जी मेन्स में जो टर्म्स है वह आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टोटलिटी में अगर हम लोग को रिलेशन पढ़ना है तो लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, ऑन ए मतलब फ्रॉम ए टू ए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब? इफ फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, ए ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, यह क्या कहा जा रहा है, इसको हम पहले एक एग्जांपल से बताते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, एक सेट ए है जो लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और कुछ रिलेशन यहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1 1, एक पेयर हमने ले लिया 2 2, एक पेयर हमने ले लिया 3 1, एक और रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं R2, जिसमें हमने लिया 1 1 2 2 3 3, और एक रिलेशन हम लोग और ले लेते हैं जिसमें हमने लिया 1 1 2 2 3 3 एंड 3 1। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि यह रिलेशन है वह फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, और डेफिनेशन में क्या कहा गया कि फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, ए ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी मेंबर हैं, मतलब ए के सभी मेंबर का खुद से पेयर बनना जरूरी है। मतलब क्या, फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, ए ए बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग ये डेफिनेशन पर जो यह तीनों एग्जांपल्स मेंशन किए हैं उसको चेक करते हैं कि क्या यह क्वालिटी इस रिलेशन में है। तो देखिए, ए में 1 है तो जो यह रिलेशन R1 है उसमें 1 1 होना चाहिए ना। अगर ए है तो ए ए होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए में 2 है तो 2 2 होना चाहिए, ठीक है। ए में 3 है तो 3 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया, जितने भी ए के मेंबर्स हैं उनका खुद के साथ पेयर होना चाहिए। इस क्राइटेरिया पर यह जो रिलेशन R1 है वह फेल हो गया। इसका मतलब R1 जो है वह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। अब आते हैं दूसरे पर, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, ए में 1 है तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, है। ए में 2 2 है तो 2 2 यहाँ पे है। ए में 3 है तो 3 3 यहाँ पे है। इसका मतलब जितने भी मेंबर ए में हैं उनका खुद के साथ पेयर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए में 1 है तो 1 1 है, ए में 2 है तो 2 2 है, ए में 3 है तो 3 3 है। मतलब ए के सभी मेंबर खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए तीसरे वाले को भी डिस्कस करते हैं, ए में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है। ए में 2 है 2 2 होना चाहिए, है। ए में 3 है 3 3 होना चाहिए, है। और कुछ एक्स्ट्रा है? देखिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना होना जरूरी है, उससे एक्स्ट्रा अगर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन R2 है एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो कंक्लूजन क्या कि ए के जितने भी मेंबर हैं उनका अगर खुद के साथ पेयर रिलेशन में है
तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब ये देखिए, अगर नाम पे आएंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव ही क्यों कहा गया, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखेंगे तो वह खुद का रिफ्लेक्शन देता है ना, रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई ए है तो ए रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इस वजह से इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो पहले तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। कहा गया अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट बी ए एलिमेंट ऑफ आर। मतलब यह कहा गया कि यह जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए बी आर का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अब इसको देखिए, पहले हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, फिर हमने एक सेट यहाँ पर लिया 1 2 3 और कुछ रिलेशंस यहाँ पे हमने मेंशन किए 1 2 2 1 3 2। एक और रिलेशन लिखते हैं R2 1 2 2 1 3 2 2 3, और एक रिलेशन R3 लिखते हैं 1 1, और एक रिलेशन R4 लिखते हैं 1 2। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में कहा गया है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा उसके लिए ज़रूरी है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए। एक बात आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यह कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका मतलब अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए यह जो R1 डिफाइंड है ए में, 1 2 है, मतलब 1 2 है ना, अब 2 1 होना नेसेसरी है, तो ठीक है 1 2 है तो 2 1 भी है, मतलब जो पेयर प्रेजेंट है उसका रिवर्स पेयर भी है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 2 है ना, तो अगर 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 में नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है इस डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है इस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, तो यह जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं, देखते हैं। देखिए R2 में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए ना, है 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, है, मतलब जो पेयर प्रेजेंट है उसका रिवर्स भी दिखा। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, है, यह भी कह सकते हैं 2 3 है तो रिवर्स 3 2 होना चाहिए, है, मतलब जो भी पेयर R2 में प्रेजेंट हैं उनके रिवर्स पेयर भी R2 में है। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है इस बात को फॉलो कर रहा है, किस बात को, कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में है। इसका मतलब है कि यह जो सेकेंड रिलेशन है यह रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड को देखते हैं, 1 1 है तो इसका रिवर्स पेयर होना चाहिए ना, तो 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स पेयर क्या, 1 1। इसका मतलब है, देखिए सेट में आप किसी एलिमेंट को दो बार लिख सकते हैं, 1 1 है दोबारा 1 1 लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R3 रिलेशन है उसमें जो पेयर है उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक है। अब देखते हैं हम लोग R4 में, देखिए इसमें 1 2 है ना, तो इसका मतलब क्या, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 है तो 2 1 होना नेसेसरी था, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक नहीं है। एक रिलेशन देखिए हम लोग और देखते हैं R5, और यह हमने लिखा एम्प्टी रिलेशन। तो अब यह देखिए एम्प्टी रिलेशन जो है वह भी सिमेट्रिक है। अब कोई कहेगा देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि यह कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर ए बी होता तो बी ए होना चाहिए ना, अगर इसमें कोई पेयर प्रेजेंट होता तो उसका रिवर्स पेयर होना चाहिए, तो इसमें कोई पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब जब इनपुट ही नहीं है तो हम लोग रिजल्ट की बात कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या, अगर ए बी रहा होता तो यह ज़रूरी होता कि बी ए होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है इसमें इनपुट सफिशियंट नहीं है, और देखिए जब कंडीशनल सेंटेंस होता है इनपुट सफिशियंट नहीं होता है तो रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह बाय डिफ़ॉल्ट
यह जो प्रॉपर्टी है यह होल्ड करती है, मतलब यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक होगा। रीजन क्या होगा? कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें ऐसा पेयर अगर होता कोई तब हम लोग देखते कि उसका रिवर्स है कि नहीं। जिसमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं है इसका मतलब है कि ऑलरेडी क्वालिफाइड है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानने के लिए आप इस बात को समझिए कि 11th में हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर इनपुट है सफिशियंट है तो रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना है। अब इसको देखिए ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन दिया कि अगर आप दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? अगर आप दवा खाए और ठीक हो गए, मतलब दवा खाया एंड देन ठीक हो गए, तो कहेंगे भाई डॉक्टर वैलिड है, ठीक है। अगर आप दवा खाए ही नहीं, मतलब इनपुट जो था उसने कहा था कि दवा आपको खाना है, आप दवा खाए ही नहीं, क्या आप डॉक्टर को कहने की स्थिति में है कि हम ठीक नहीं हो पाए? क्या आप डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट और डॉक्टर जो है वैलिड है, क्योंकि आपने उसकी कंडीशन जो इनपुट था उसको क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर रिजल्ट की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं पहले देखना है कि क्या इनपुट है, क्या यहाँ पर इनपुट क्या है कि ए बी होना चाहिए था, अगर ए बी होता तो बी ए होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर इसमें ए बी जैसा कोई पेयर ही नहीं है, इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए एक क्वेश्चन यह भी कि भाई सिमेट्रिक ही क्यों कहा गया, तो देखिए मैथ में कोई बात अगर कही गई है तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर भी देखिए सिमेट्रिक वर्ड का मतलब है कि अगर देख रहे हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है अगर तो 3-2 है, तो इसका रिवर्स पेयर भी प्रेजेंट है ना 2-3। तो अगर एक तरीके से आप देखेंगे तो यह इसकी देखिए इस तरीके से सिमेट्रिक है, जैसा आप सुपर इम्पोज करेगा अगर हम फोल्ड करें तो इस वे में इसको हम लोग सिमेट्रिक नेम देते हैं। बाकी नेम का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जो भी मीनिंग है वह इसकी डेफिनेशन में है। इसका मतलब है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, तो ये बताया गया कि जितने भी पेयर रिलेशन में प्रेजेंट हैं उनका रिवर्स पेयर भी अगर प्रेजेंट है तो उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और देखिए अगर बहुत जल्दी से किसी रिलेशन को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो क्या करिए कि उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबको रिवर्स कर दीजिए और देखिए कि रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस पेयर जो है पोजीशन आगे पीछे हो गई है लेकिन रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा रिलेशन जो है वह सिमेट्रिक। तो अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट ए सी एलिमेंट ऑफ आर। क्या कहा जा रहा है? अगर रिलेशन में ए का पेयर बी से है, बी का पेयर सी से है, तो ए का पेयर सी से होना चाहिए। देखिए यह भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब क्या अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कैसा? अगर ए का पेयर बी से है और बी का पेयर सी से है तब ए का पेयर सी से होना चाहिए। अब देखिए कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि जो गिवन रिलेशंस हैं वह क्या ट्रांजिटिव हैं। तो देखिए एक सेट हमने लिया ए जिसमें 1, 2, 3 है और कुछ रिलेशंस डिफाइन किया गया है। अब हम खोजते हैं R1 को, देखते हैं कि क्या R1 में ऐसी कंडीशन मिल रही है। तो देखिए 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, ठीक वैसे ही जैसे A का B से पेयर है, B का C से है, मतलब यह कंडीशन यहाँ पर मिल रही है। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा हो, मतलब A का C से हो, मतलब क्या देखना है? 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए सेकेंड वाले को देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो देखिए यह कंडीशन यहाँ पे मिल रही है ना, तो 1 का 3 से होना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कंडीशन मिल भी रही है और आउटपुट आ भी रहा है। इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव है। अब देखिए तीसरे को टेस्ट करते हैं, 1 का 2 से है, अब देखिए A का B से है, अब इसके बाद अगर B का C से होता तो A का C से होना चाहिए ना, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो यह तीसरा रिलेशन है इसमें इनपुट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या?
अगर ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ही नहीं हुआ। मतलब ए का बी से और बी का सी से होता तो ए का सी से होना चाहिए ना। मतलब क्या, यहाँ पर वन का टू से है, अगर टू का किसी और से होता तब हम चेक करते कि वन का उससे है या नहीं। इसका मतलब है इसमें कंडीशन जो है ट्रांसिटिविटी की वह नहीं मिल रही है, तो इसलिए यह जो रिलेशन है वह ट्रांसिटिव है, क्योंकि कंडीशन स्टेटमेंट में कंडीशन का मिलना पहले ज़रूरी है। अगर कंडीशन नहीं मिलती है तो जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी होल्ड करता है, मतलब यह जो रिलेशन है यह भी ट्रांसिटिव है। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। मतलब क्या, अगर कोई रिलेशन आर ए में डिफाइंड है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, साथ में ट्रांसिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यह सेट ए है और एक रिलेशन यह डिफाइन किया गया। देखिए वन है तो वन वन, टू है तो टू टू, थ्री है तो थ्री थ्री। इसका मतलब यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव है। देखिए हर पेयर का रिवर्स पेयर है ना, तो इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक है। और साथ में भी ट्रांसिटिव के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो ध्यान से देखेंगे तो यह रिलेशन जो है वह ट्रांसिटिव भी है। तो यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ में ट्रांसिटिव है, तो इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो देखिए अभी जो हम लोग डेफिनेशन देखे, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और साथ में यह भी देखा कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव यह तीनों बातें एक साथ किसी रिलेशन में है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर गिवन एग्जांपल को शो करेंगे कि यह जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। मतलब देखिए ये क्या है, लाइंस का सेट है। कौन सी लाइंस का, जो इस प्लेन में बन सकती हैं। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, तो देखिए कहा गया यल वन यल टू का पेयर बनेगा, कब बनेगा, जब यल वन पैरेलल होगा यल टू के। मतलब कहा गया कि देखिए इसमें दो लाइन का पेयर बनेगा, कब बनेगा, जब पहली लाइन दूसरे के पैरेलल होगी। तो चेक करना है कि यह जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनका खुद से पेयर होना चाहिए। तो हम लोग देखिए इसको शो करते हैं, फॉर एवरी यल एलिमेंट ऑफ ए यल यल बिलोंग्स टू आर। देखिए ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यल इज पैरेलल टू यल। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया कि यल वन यल टू का पेयर बनेगा, कब, जब यल वन पैरेलल होगा यल टू के। उसी तरीके से देखिए हर लाइन का पेयर खुद के साथ बनेगा, क्यों, क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो है वह रिफ्लेक्सिव हुआ। और देखिए सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको यह दिखाना है कि अगर आर में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है ना। तो देखिए आर में हमने दो लाइन का पेयर लिया, मतलब क्या, यल वन यल टू बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर यल वन यल टू आर में है, इसका मतलब क्या, यल वन पैरेलल टू यल टू। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, यल टू पैरेलल टू यल वन। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि यल टू यल वन बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या, अगर यल वन यल टू आर में है तो हम लोग दिखा पाए कि यल टू यल वन भी आर में है। तो इसका मतलब हुआ कि आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। अब उसके बाद देखिए ट्रांसिटिव देखना है ना, तो यहाँ पे दो पेयर लीजिए, यल वन यल टू बिलोंग्स टू आर एंड यल टू यल थ्री बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यल वन यल टू आर में है, इसका मतलब यल वन पैरेलल है यल टू के। यल टू यल थ्री आर में है, इसका मतलब यल टू पैरेलल है यल थ्री के। तो देखिए यल वन यल टू के पैरेलल है, यल टू यल थ्री के पैरेलल है, तो बाय ज्योमेट्री आप यह कह सकते हैं कि यल वन यल थ्री के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यल वन यल थ्री
बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है कि ए का पेयर बी से है, बी का पेयर सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर L1 का पेयर L2 से है, L2 का पेयर L3 से है, तो L1 का पेयर L3 से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ये जो रिलेशन था वह रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक हुआ और साथ में ट्रांजिटिव भी हुआ, इसलिए यह जो गिवन रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग यह देख पाए कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग किस तरीके से शो करते हैं। जितनी भी बातें हमने बताई हैं सभी डेफिनेशंस को, एग्जांपल को अगर आप केयरफुली रीड करेंगे तो रिलेशंस पे आप जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत ईजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस रिलेशन टॉपिक को कम्प्लीट कर पाए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे। अब जो एग्जांपल्स हैं आप एक्सरसाइज में या किसी पेपर में, सैम्पल पेपर में, आप उस एग्जांपल को लीजिए, लगाइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।